जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्पीकर मुंतखब होने पे मुबारकबाद पेश करता हूं और आपसे ये गुजारिश है कि आज के बाद आप ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना समाजवादी है। आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है, आईन हिंद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आज के बाद आप उसके कस्टोडियन होंगे और इस हाउस में, जिसे जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, जमहूरियत की मिसालें होगी। इस हाउस में आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए, या आपने अपोजिशन को खामोश किया। आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान MP को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया, या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया। अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में, जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, बैठो एक मिनट, बैठिए एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है, आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। बात करो, मैं ये गुजारिश करूंगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहाँ पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी। और आप उसके कस्टोडियन थे जब 370 की बिल एक मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई, प्लीज बैठिए। आप रहिए, इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे, चलिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।